तो गाइस आज हम बात करेंगे सैमसंग के सबसे ज्यादा सेल होने वाले स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M31 कितना ज्यादा सेल हुआ था इंडिया में, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया फीचर के साथ जो है आता है। और ऐसे में सैमसंग जो है सैमसंग गैलेक्सी M31 की सक्सेस को देखते हुए सैमसंग गैलेक्सी M32 को भी जो है लाने वाला है, जो कि एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन होगा। साथ ही में इसमें आपको 4G और 5G के दो ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे, जो कि एक काफी बढ़िया बात है। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टिंग हो सैमसंग गैलेक्सी M32 को लेकर, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे और साथ ही में बात करेंगे इस फोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए गाइस इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सैमसंग गैलेक्सी M32 जो है एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है, जहां से इसकी बैटरी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। इस फोन में आपको 6000mAh की बैटरी जो है देखने को मिलेगी, लेकिन इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग कितनी देखने को मिलेगी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिली है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस फोन में आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो है देखने को मिलेगी। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि इन्फिनिटी ओ डिजाइन के साथ आएगी। और इस फोन में जो है आपको डिस्प्ले के अंदर जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी इस बार काफी अच्छी रहने वाली है। साथ ही में इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफी बढ़िया बात है। बात करते हैं कैमरे को लेकर, कैमरे इस फोन में आपको क्वार्टर कैमरा मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बाकी 3 सेंसर और देखने को मिलेंगे आपको, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, माइक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर। बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस को लेकर, यानी कि इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो वैसे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में कोई भी ऑफिशियल डिटेल जो है हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन जो इसका 4G वेरियंट होगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G का जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं इसका जो 5G वेरियंट होगा उसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का जो है प्रोसेसर जो है देखने को मिलेगा। प्रोसेसर आपको 4G और 5G में दोनों ही काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। इस फोन में आपको रैम को लेकर दो ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे, 6GB रैम और 8GB रैम। बाकी आपको दोनों में ही जो है 128GB की ऑन पोर्ट स्टोरेज जो है देखने को मिलेगी। और ये फोन जो है एंड्रॉइड 11 के साथ आने वाला है, जो कि वन यूआई 3.0 पर बेस्ड होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फोन आपको मई के एंड तक जो है देखने को मिल जाएगा। और इस फोन का जो 4G वाला वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग आपको 18,000 के बजट में जो है देखने को मिलेगी, और जो इसका 5G वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग आपको 22,000 के बजट में जो है देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यही था इस फोन के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। बाकी इस फोन के बारे में कोई भी डिटेल सामने आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।